वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज क्वेश्चन हमारा ऑसिलेशन पर बेस्ड है कि ऑसिलेशन पर किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन देखते हैं कैसा है। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग एसएचएम। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पूछा गया पार्टिकल जो ट्रेवल करेगा अगर वो एसएचएम कर रहा है, मीन सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है तो, ठीक है। फ्रॉम द मीन पोजिशन कहां से कर रहा है ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। यहाँ से मीन पोजिशन से कर रहा है, ठीक है। कितने इन 2 सेकंड इज इक्वल टू किसके बराबर है, 2 सेकंड टाइम ले रहा है और कितने इक्वल है, √3/2 टाइम्स ऑफ एम्पलीट्यूड के बराबर है। तो डिटरमाइन करना है उसमें टाइम पीरियड कितना लगा होगा, ठीक है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बोला गया 2 सेकंड में √3/2 ऑफ एम्पलीट्यूड कर रहा है, ठीक है। √3/2 टाइम्स ऑफ एम्पलीट्यूड डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है तो उसमें कितना उसको समय लगा होगा, ठीक है। टाइम पीरियड टी की बात यहाँ पे की जा रही है। अगर हम बात करें डिस्टेंस का फॉर्मूला तो हम लोग पढ़ते हैं, मान लेते हैं हमारे वाई कोऑर्डिनेट में मोशन हो रहा है, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, वाई इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी लिखेंगे, ठीक है। सिंपल ही फॉर्मूला पढ़ चुके हम लोग, वाई इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कर रहा है, जो डिस्टेंस उसने ट्रेवल की वो किसके इक्वल है, √3/2 टाइम्स ऑफ एम्पलीट्यूड। मीन्स हमारा वाई किसके इक्वल हो जाएगा, √3/2 टाइम्स ऑफ एम्पलीट्यूड ये हो जाएगा। तो वाई की जगह इस वैल्यू को रख देना है, ठीक है। √3/2 यहाँ पे हो जाएगा, ए इक्वल्स टू यहाँ पे लिखेंगे हम लोग ए साइन ओमेगा टी, इस तरीके से लिख देंगे, ठीक है। इस ए यहाँ पे कैंसिल आउट हो गया। अब यहाँ पे बात आती है ओमेगा टी की, ठीक है। अगर हम बात करें ओमेगा, ओमेगा क्या होता है, 2π/T। टाइम पीरियड कितना दिया गया है, मीन पोजीशन इन 2 सेकंड, ठीक है। 2 सेकंड कहा जा रहा है और ये टाइम पीरियड कैपिटल टी पूछा गया है कि क्या होगा यहाँ पर, ठीक है। अब देखो सॉल्व करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है, इसको ऐसे सॉल्व कर देते, √3/2 यहाँ पे लिख दो, यहाँ पे क्या आ गया साइन, 2 × 2 = 4, यहाँ पे आ गया 4π/T हो गया, ठीक है। इस तरीके से अगर हम लोग साइन को उधर लेके जाते हैं, साइन उधर लेके जाएंगे तो √3/2 हो जाएगा, और √3/2 कब आता है, साइन 60 पर आता है। तो यहाँ पे नोट कर देते हैं हमें साइन 60 पर क्या होता है, √3/2 होता है, ठीक है। अच्छा इसको हम और क्या ले सकते हैं, साइन 60 को और क्या ले सकते हैं, और कोई फॉर्म है, पाई के फॉर्म में इसको ले सकते हैं। पाई होता है 180, मतलब 180/3, मतलब हम बोल सकते हैं इसको π/3 बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ हम इस वैल्यू को रख देंगे तो क्या हो जाएगा, √3/2 इक्वल्स टू साइन 4π/T, 4π को हम लोग क्या बोला, हमने बोला इसको इधर लेके जाएंगे, इस वैल्यू को हम क्या लिख सकते हैं, इस वैल्यू को हम इसको हटा करके π/3 लिख सकते हैं, इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 4π/T। अगर इसको हम और सॉल्व करते हैं, t को उधर लेके जाते हैं और इसको उधर कितना हो जाएगा, t π = 12π, ठीक है। ये कट गया, तो टाइम पीरियड कितना आ गया, 12 सेकंड का आ गया हमारा टाइम पीरियड। मींस इस तरीके से हम लोग एसएचएम के प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन में पहली बात तो पूछा क्या गया था, क्वेश्चन क्या कहता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग एसएचएम। एक जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है एसएचएम करते हुए पार्टिकल 2 सेकंड में, वो कितना है, √3/2 टाइम्स ऑफ इट्स एम्पलीट्यूड, और यहाँ पे पूछा गया टाइम पीरियड कितना लगा होगा इसको, ठीक है। यहाँ देखना ये जो दिया गया मीन पोजिशन इन t = 2 सेकंड, ये पार्टिकल की पोजीशन के लिए टाइम दिया गया है, ना कि एसएचएम का टाइम पीरियड दिया गया है, ठीक है। हम लोग को फाइंड आउट क्या करना था, टाइम पीरियड फाइंड आउट करना था, कितना लगा ओवरऑल टाइम पीरियड कितना लगा, ठीक है। ये फाइंड आउट करना है एसएचएम का, तो यहां से हमने डिटरमाइन कर लिया टाइम पीरियड कितना आ गया, 12 सेकंड। इस तरीके से एसएचएम पर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, अ पार्टिकल एग्जीक्यूट एसएचएम। एक पार्टिकल एसएचएम में सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है जिसका एम्पलीट्यूड दिया गया 25 सेंटीमीटर, ऑफ टाइम पीरियड जिसका टाइम पीरियड कितना दिया गया, 3 सेकंड दिया गया है। What is the minimum time required for the particle to move between 2.12.5 cm on either side of the mean position? ठीक है, एक हम लोग मीन पोजिशन ले लेंगे, उसके इधर साइड पूछा गया कितना होगा, 12.5 सेंटीमीटर, कितना मतलब इस साइड पूछा गया और उस साइड पूछा गया 12.5 सेंटीमीटर, और ओवरऑल कितना ये दिया गया है, ओवरऑल ये है 25 सेंटीमीटर। ये एम्पलीट्यूड यहाँ पे ए होता है ना, प्लस ए, ये हमारा मीन पोजिशन मींस एक्स इक्वल जीरो, या फिर कहें टी इक्वल जीरो की बात की जा रही है, ठीक है। तो एम्पलीट्यूड कितना है, 25 सेंटीमीटर का है। इस पूरे टाइम को कवर करने के लिए कितना समय लग रहा है, उसको टाइम पीरियड दिया गया टोटल 3 सेकंड दिया गया है, ठीक है। तो पूछा गया है इधर साइड में, ठीक है, इधर साइड में जो डिस्टेंस अगर कवर कर रहा है 12.5 सेंटीमीटर, तो उसमें कितना टाइम लगेगा, ठीक है। तो टाइम पीरियड हम दो तरीका बताएंगे इसको सॉल्व करने का, कैसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। सिंपल, जैसे हम लोग को सॉल्व करना होता है, क्या लिखते हैं हम लोग, वाई इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी, सिंपल इस तरीके से लिख देना है। वाई एक्सिस की अगर हम लोग बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर अगर हम बोल रहे डिस्टेंस ये कितना दिया गया, डिस्प्लेसमेंट है हमारा, डिस्प्लेसमेंट कितना दिया गया है, 12.5 सेंटीमीटर, ठीक है। कितना दिया गया, 12.5 सेंटीमीटर, और एम्पलीट्यूड कितना दिया गया, एम्पलीट्यूड है हमारे पास 25 सेंटीमीटर। ये हो गया साइन, ओमेगा होता है 2π/T, टाइम पीरियड कितना दिया गया, 3, और ये टी कैलकुलेट करना है क्या होगा, ठीक है। पहले एक साइड कैलकुलेट करेंगे, फिर दूसरे साइड कैलकुलेट करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो यहां से टी कितना आ जाएगा सॉल्व करने के लिए, इसको हम इधर भेज देंगे, तो कितना हो जाएगा, 12.5/25, इधर क्या आ जाएगा साइन,
यहाँ पे आ जाएगा 2π/3 और यहाँ हो जाएगा t, ठीक है। फिर इसको हम इधर सॉल्व कर लेंगे, यहाँ पे आ जाएगा साइन 2π/3, इसको सॉल्व कर लेते कितना हो जाएगा, पॉइंट रह गया 250 हो गया, तो 1/2 आ गया, इक्वल कितना हो गया साइन 2π/3 यहाँ पे आ गया t, ठीक है। तो साइन को उधर बदलेंगे, साइन इनवर्स 1/2 कितना होता है 30 पर होता है ना, साइन 30 कितना होता है 1/2, तो यहां से हम बोल सकते हैं आगे की तरफ इक्वेशन बन सकती है यहाँ पर साइन 30, और साइन 30 को हम लोग क्या बोल सकते हैं π/6, क्योंकि पाई की वैल्यू 180 होती है, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं इसको π/6, हमने क्या बोला साइन 30 को हम लोग क्या बोल सकते हैं π/6, क्यों, क्योंकि हमारा पाई की भी जो वैल्यू होती है वो 180 होती है, और 180/6 कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा, इस तरीके से हम π/6 बोल सकते हैं। इक्वल क्या हो जाएगा, यहां से हमने इसको इधर भेज दिया, यहाँ बचा क्या 2π/3, यहाँ पे आ गया टी, पाई से पाई कैंसिल आउट, यहाँ 3 इधर चला गया, तो पॉन ये हो गया, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेते क्या हो जाएगा, 2t हो गया यहाँ पर, इधर चला गया तो 3/2 मतलब 3/12 मतलब टाइम पीरियड t कितना आ गया 1/4 सेकंड आ गया, कितना आ गया 1/4 सेकंड, ये आ गया टाइम पीरियड जो कि इसको लग रहा है आधे डिस्टेंस को कवर करने पर। ये एम्पलीट्यूड कितना है, ये एम्पलीट्यूड हमारा 25 सेंटीमीटर का है, और पूछा कितने के लिए गया था 12.5 सेंटीमीटर, इस साइड की अगर हम लोग बात करें तो लगभग आधा ही हुआ, 25 का 12.5 होता है, तो कितना आगे हमारा टाइम पीरियड इसको लगेगा 1/4 सेकंड। अगर दूसरी साइड की बात करें तो वहां पर टाइम पीरियड टी इक्वल्स कितना हो जाएगा 2t के बराबर हो जाएगा, तो 2 × 1/4 कितना आ जाएगा 1/2, या फिर हम कह सकते हैं 0.5 सेकंड लग जाएंगे, ठीक है, क्योंकि एक टाइम पीरियड टी बाई फोर पे, ठीक है, या फिर 1/4 पे अपने ऑसिलेशन को फिर से वो चेंज करती है वेव जो होती है, मतलब टी बाई फोर है, फिर टी बाई फोर, फिर टी बाई फोर, टी बाई फोर, इस तरीके से अपने वापस मीन पोजीशन पे वो पहुंचती है, ठीक है। तो यहां तक आधा फाइंड आउट कर लिया, यहां से आ गया, ठीक है, यहां से आ गया 12.5, तो दूसरा कितना हो जाएगा 2 × t हो जाएगा, तो कितना आ गया 0.5 सेकंड। अच्छा देखो, अगर ये पेपर कभी कंपटीशन लेवल पे आ गया तो नीट वगैरह में पूछ लिया तो वहां पे कैसे करेंगे, वहां पे हम लोगों को ये चीज आना चाहिए कि अगर कोई भी पार्टिकल हाफ पोजीशन पहुंचा गया, ठीक है, एम्पलीट्यूड के आधी पोजीशन पे पहुंच चुका है, तो वहां पर टाइम पीरियड का फॉर्मूला याद होना चाहिए, ठीक है। वो क्या होता है, टी इक्वल्स टू टी बाई 12 होता है, क्या होता है टी इक्वल्स टी बाई 12, उससे हम तुरंत टाइम पीरियड फाइंड आउट कर सकते हैं। देखो यहाँ पे वैलिड हो गया ये चीज, टी कितना दिया गया हमारा 3 सेकंड दिया गया है, और आधा टाइम पीरियड हो गया था ना, 25 का आधा कितना हुआ 12.5 सेंटीमीटर के लिए पूछा गया था, यहाँ पे कितना हो जाएगा 3/12, कितना अगर टाइट हम बता देंगे टाइम पीरियड 1/4 आ जाएगा। इतने छोटे में ये सॉल्व हो सकता है, ठीक है, इतना सब करने की जरूरत नहीं है। अगर हमको याद हुआ और क्वेश्चन में पूछा भी गया है कि एम्पलीट्यूड का आधा डिस्टेंस कवर है उसमें कितना टाइम पीरियड लगा, तो उसको हम लोग टी को टी बाई 12 से कैलकुलेट कर लेंगे, पूरे सिस्टम का टाइम पीरियड कितना है 3 सेकंड, 3/12 कितना हो गया 1/4, और इधर कितना हो गया 2 × 1/4 मतलब 1/2, कहने का मतलब 0.5। मींस इस तरीके से SSM पे अगर क्वेश्चन आता है तो हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो छोटी छोटी ट्रिक होती है क्वेश्चन में पेपर में बताई जाती है, या पढ़ते हम लोग देखते हैं उसको नोट कर लेना चाहिए, जिससे क्वेश्चन करने में बहुत ज्यादा हेल्प मिलती है। अगर सिमिलर क्वेश्चन आया तो हम लोग इस तरीके से अप्लाई करके तुरंत इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं।